मंडलायुक्त जयंत नलिकर व डीआईजी राजेश टी मोदक राव ने बूढ़ाडीह पहुंचकर निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में जनपद से आए अन्य प्रदेशों से प्रवासी व्यक्ति या मजदूर जो जनपद में आ रहे हैं उनका सम्यक ढंग से स्वास्थ्य परीक्षण के बाद होम क्वारंटीन किया जाए, जिसकी देखरेख निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध मिलता है तो इसकी जानकारी भी निगरानी समिति के सदस्य संबंधित अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग को देंगे। वहीं भटहट ब्लॉक के हाफिज नगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का भी इन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निगरानी समिति की बैठक में CMO डॉक्टर SK तिवारी, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, DDO अनिल कुमार सिंह व अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान होंगे उनको बता दें और उसमें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें, कई अधिकारियों का नंबर होगा उसका किया जाएगा। सो निगरानी समिति पहले तो उनको अंदर रखने का कहेगी। जनरली देखा गया है कि लोग अभी भी आपस में बात करते वक्त दूरियां नहीं रख रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, दो गज की दूरी रखनी है, लगभग 1.5 मीटर दूरी रख के बात करनी है और ये हमें अपने जीवन में उतार लेना है। कोरोना का जो ये बीमारी का संक्रमण का चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि 10 दिन का 15 दिन का है, इसे हमें अपनी आदतों में डालना है। हाथ धोने की प्रक्रिया भी है, हाथ धोने के बारे में बताना है और आप सभी जो टीम के सदस्य हैं, प्रधान जी की अध्यक्षता में वो निगरानी समिति बनी है, उसके सभी लोग गांव में भ्रमण करेंगे और जो बाहर से नहीं आए हैं उनके यहाँ भी हाल चाल पूछना है और बुलाने के बाद उनसे पूरा पूछें कब आए, कौन से जगह से आए हो, कितना दिन हो गया है और इसलिए ये किया जाता है। इनके साथ सर अच्छी आदमी स्वयं नहीं जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर खाने की क्या जरूरत है सर? आ रहे हैं सर तहसील से खाना खा करके आ रहे हैं। और शौचालय क्या है? शौचालय से बिल्कुल सही है, शौचालय की व्यवस्था जरूर ठीक रखिएगा, उसमें गंदगी ना होने पाए, किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जब खुद खड़े हो तो दूर दूर खड़े, हम जब खुद खड़े हो तो मास्क लगाए हो, हम जब खुद खड़े हो तो या कहीं जा रहे हो साबुन से हाथ धो के दिखाएं जिससे 10 लोग देखें तो उस पर फर्क पड़े। आपको देख के गांव वाले सीखेंगे। हम खुद यदि इकट्ठे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हम वाणी से अपने कहेंगे लोग मानेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए, इस समय जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो जोर है वो इस समय निगरानी समिति पर है और निगरानी का मतलब होता है आंख और कान। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, आपका एक आशा का और गांव, यहां पर ग्राम प्रधान भी है, ग्राम प्रधान आप लोग